इस खूबसूरत टीम में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मजा आया काम कर करके। थैंक यू। और इतना ही बोला, दो शब्द बोल दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ ऑफ कोर्स आपको कोई क्वेश्चंस है तो से द मेंबर्स ऑफ द प्रेस कोई क्वेश्चन है तो कैन वी हैव द माइक फॉर माय लवली फ्रेंड्स हियर। राइट पॉइंट टेबल आके बोलती नहीं पिया। चलो खाली खड़े होकर करते जा रहे हैं। राकेश भाई, सो पिक्चर भी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग? क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे कि आपने ये कैसे प्लान किया, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स और उनको जो गॉड है कोरियोग्राफी के, उनको डायरेक्ट करके, कोरियोग्राफ करके कैसा लगा आपको? पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे आपने कहा कि जो गॉड है कोरियोग्राफी के, तो जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो आप उसका इंतज़ार वो आपको ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको अपने ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मेरे लिए गणेश मास्टर जी भगवान जैसे ही हैं। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि इनका काम देख के मैंने इतना सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। इतने सालों से ये नंबर वन पोजिशन पर चल रहे हैं। तो मैंने मतलब जब ये गाना मुझे ऑफर हुआ, तो जब मैंने ये गाना सुना नीरज जी, रणधीर जी और ये कंपनी में, मैंने ये गाना सुना और हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये गाना तो मतलब कभी कभी कोई गाने ऐसे हो जाते जो सुनते ही मुझे कोरियोग्राफी नहीं आ रही थी कुछ भी दिमाग में, बट मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था जो कि हमारे लिए आउट ऑफ रीच था पहुंचना। तो मैंने पहले इनसे डिस्कस किया, प्रिंस सर से, हमारे नीरज रणधीर जी से, आदित्य जी से, फिर मैंने उन्होंने बोला कि अरे अगर आप मास्टर को ले आए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी गाने में। तो मैंने मास्टर को रिक्वेस्ट किया कि मास्टर ऐसा है, बट मास्टरी ने जितना वो प्यार मुझसे करते हैं, मास्टरी ने सिर्फ मुझे एक बात बोला कि सागर तू कर रहा है तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। और मास्टरी ने आए और पूरा दिन मास्टरी ने वहाँ पे स्पेंड किया पूरा। उन्होंने मतलब छोटी सी बात है बट मास्टरी पूरा टाइम सेट पे रहे, ऐसा नहीं कि वो एक सेकेंड के लिए भी गए। और जो भी किया है मैंने गाना, बट आप देख सकते हैं इसमें मास्टरी की कितनी झलक है। तो ये गाने में मैं कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी वाइफ भी कोरियोग्राफर थी, मैं कर रहा था, बट इस गाने में भी मैं मास्टरी से सीख रहा था। हमारे बहुत सारे मेकिंग्स ऐसे हैं जो मेरा बहुत एक फेवरेट मेकिंग है, जो एक शॉट हमें नहीं मिल रहा था, तो मास्टरी वहाँ आए मॉनिटर के पास और मास्टरी ने देखा ऐसा और मास्टरी ने खाली जाते थे बोला ट्रॉली थोड़ा लेट कर। तो इससे पता चलता है कि जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो द गॉड ऑफ कोरियोग्राफी, आई एम वेरी प्राउड दैट द नंबर वन कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया इज डांसिंग इन माय सॉन्ग। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन एवर कम अप लाइफ। थैंक यू। एंड वी आर प्राउड दैट ही इज हियर विद अस टुडे। ऑफ कोर्स हमारे को प्रोड्यूसर्स, मैं आपसे ऑब्वियसली पूछना चाहूंगी, सबका ड्रीम होता है इनके साथ काम करना, नहीं मिलता उनको वक्त ही नहीं मिलता, मगर आपको कैसा लगा? आई थिंक वो एक ड्रीम जब सच्चा हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग तो मास्टर जी को देख के यहाँ तक आए लाइन में और बहुत अच्छा लगा कि एक लीजेंड जब आते हैं ना सेट पे तो अपने आप बहुत माहौल एनर्जेटिक हो जाता है। और क्या बात, तो मैं अचीवमेंट है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ओके, ऑलराइट। और अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रणव जी से पूछना चाहूंगी। वेल सर, आपको क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू एक्चुअली मेक दिस सॉन्ग? थैंक यू। मैं बस एक बात ऐड करना चाहूंगा, मैं कुछ 8-10 साल पहले भक्ति गाने कर रहा था छोटे मोटे। ये है वो जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया और पहला काम दिया, और वो पहले ही काम से जो आज तक कर रहा हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ सर। मेरे लिए मेरे गार्जियन, मेरे गॉडफादर जो भी हैं यही। अब मेरी किस्मत देखिए, मैं सबसे ज़्यादा काम मुझे सर ही देते हैं। ये गाना मैं सर मुझे हमेशा कहते हैं तू अपना निकल, कुछ अच्छा कर, बाहर कर, मैं बाहर काम करने आ रहा हूँ, वहाँ भी मुझे कौन मिल रहा है? ये मेरी अच्छी किस्मत और ये सच में सर आपका आशीर्वाद, देखिए इनडायरेक्टली भी मेरे ही साथ है। तो मसालेदार तेरा प्यार महज एक शुरुआत है राजघराना फिल्म्स के साथ, अभी बहुत ऐसे गाने करेंगे और सर का आशीर्वाद हम लोग के साथ तो है ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पे उनको देने वाले हैं, गणेश आचार्य जी को वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल जो आज हमारा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, और पब्लिकली हम ये देखेंगे आपके सामने गणेश आचार्य जी अभी लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल, आप सभी के सामने हमारा म्यूजिक वीडियो जो पब्लिक हो रहा है, देख लीजिए। रुके 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 रुके, ओके एक मिनट सर, सर ओके, सब लोग साथ में, ओके वेट, 3-2-1 मैं करूंगी सर, 3-2-1 मैं बोलूंगी, वेट, हाँ कोरियोग्राफर करेगा, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर बोलिए आप, बोलिए, चलिए हाँ वेट, ओके एवरीबॉडी रेडी, ओके वेट वेट वेट, आप बोलेंगे सागर जी, आप बोलिए।
क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? अब कोई बोलेगा नहीं. ओके मैडम, ये तो सिर्फ शुरुआत है. आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है. और सर थैंक यू वेरी मच. और ऑब्वियसली मैं माइक आपको देने वाली हूँ सर. आपका एक्सपीरियंस क्या आप कहना चाहते हैं? हम वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा. आप लोगों ने सब इंतजार किया मेरा. बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ. देखिए एक जो गुरु होता है ना उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसके एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का. उसमें कुछ 1000 डांसर्स थे, उसमें एक सागर था कि 1000 गाने थे. महबूब स्टूडियो में से मुझे कहा. उसके बाद ही इज़ द बिकम अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था. फिर उसके बाद उसने फिल्म में की. कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था. तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरा मैन था. तो सब टीम थी. तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज सागर के हाथ के नीचे मैं छोटा वो जो परफॉर्म किया मैंने इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है. और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है. जो भी है बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का. और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारे फिल्मों के गाने लिखे हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने. और आदित्य जी आपका फर्स्ट लॉन्च है ये, मैं बहुत बोलूँगा आपको. शुक्रगुजार हूँ आपने सागर को मौका दिया और उसको ये चांस दिया. इसने तो बहुत काम किया. लेकिन ऑल द बेस्ट आपके ये फर्स्ट एडवेंचर के लिए जो आपने किया है. और यही बोलूँगा नीरज जी और रंजीत जी, आप हमेशा मेरे पास आए. और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है. तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पर आने का. शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ. बस यही बोलूंगा और कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू लवली. ऑलराइट गुड फॉर एवरीवन. सबसे पहले इस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में कौन सा लाइट दे दिया यार, थोड़ा सा हाथ बता. तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में बताइए, आपके जर्नी के बारे में. सवाल के ऊपर सागर दास क्या जो अभी कुछ दिनों कुछ सालों से बहुत साथ में, जब इसने आके मुझे बोला कि कहना है मेरे को, हाँ ये करना है मेरे को, तो हाथ के आगे कुछ भी नहीं है, सब जो है सागर. कंटिन्यू कुछ नहीं आगे. हाँ कंटिन्यू. सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस था? कमाल था. नर्वस थे आपके स्टूडेंट या फिर आप कुछ मोटिवेट थे? नर्वस थे, बहुत कॉन्फिडेंट था सागर. और बहुत मज़ा आया करने में. नाइट शूटिंग की हम लोगों ने पता ही नहीं चला, पैसे सुबह हो गई. और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर, वो तो उसने पहले बहुत अपने आप प्रूव किया इस गाने को. मैं था एक्सप्रेशन और उस पर उसको थोड़ा सा काम करता था. बहुत दो तीन रिहर्सल की है और शॉर्ट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको. और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जिस वजह को मेरे पास एज अ ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी. यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने में. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और आप देख ही रहे कि मैंने स्माइली पकड़ लिया है और जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है. तो मतलब उनका काम देख के सीखा है. आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है वो जितना, मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है मैं लेते जाता हूँ हमेशा. मैं जब भी उनको मिलता हूँ मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ. आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे. तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर वन कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में. अब मैं इसके आगे मैं क्या बार एक्सलेंस कर पाऊंगा लाइफ में मुझे पता नहीं है. आई थिंक आई हैव रेज्ड माय बार और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है. आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माशी ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्म किया. सबसे पहले मैं बात प्लीज, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ. इनका नाम ही गणेश है.
थोड़े देर के बाद ऐसा लगे कि मैं हार भी रहेगा। मैं सरिया हूँ, इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, सागर है, प्रणव है, इन लोग सब, मैं एक छोटा सा जरिया और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो और बहुत प्रूफ करते। तो सागर इंसान हूँ। सागर जी, कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए? मैं हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफर हुआ तो हमें तो हम गाना सुन रहे थे, तो पहले होता है कि एज ए कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है, बट किसी कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया, मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के, मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य जाजी से, नीरज नंदी जी से और प्रिंस सर से डिस्कस किया और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके और उन्होंने हाँ कहा, जैसा उन्होंने कहा फिर उसके बाद हमने उस पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट की है जिसको कैसे शूट करना है क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेले, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे, मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स हैं वो पूछते कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टर जी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं क्योंकि मास्टर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है, तो ये मतलब और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झाजी और जो नीरज रंदीर जी, जब मैंने बोला मास्टर जी कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो प्रोड्यूसर्स से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने, मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है गणेश मास्टर जी का पहला गाना, कैसे शुरुआत हुई थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, आपकी और सागर की मुलाकात कैसे हुई और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई उस बारे में? वैसे तो मैं इस लाइन के लिए नया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जैसा इन लोगों का प्यार था और इन लोगों का डेडिकेशन था, है ना, उस डेडिकेशन को, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के काम करने के तरीके को देख के मैं कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, और इन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया, और थैंक यू आपने इतने प्यार के लिए, इतने डेडिकेशन के लिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया। और मैं बहुत कुछ तो इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जब इतने बड़े महारथी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। इन लोगों का खास करके इस काम में बहुत ही बड़ा योगदान है, मतलब एक तरह से कह लें तो ग्रेट किंग यही दोनों हैं। मैं तो रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन सारा दारू मदार इन लोगों के सर पे है। हमारे यहाँ स्टार्ट करने को तो जब ये पहला गाना हुआ कि आरजीएफ हिंदी म्यूजिक का चैनल भैया और उसका श्री गणेश किया जाए, तो सागर ने कहा इसमें हर काम करते नहीं है, बट जो काम करते हैं उसको बहुत ही नाप तौल के, सोच समझ के, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो है अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, उन सब पे काम चल रहा है और ये राजघराना फिल्म्स कौन से घराने से हैं आप लोगों, जरा उसके बारे में बताएं। राजघराना फिल्म्स क्या है? राजघराना फिल्म्स एक नाम है ना? इस नाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए मुकाम तक ले जाए। नाम में ऐसा रखा होता नहीं है, नाम को बनाना होता है ना, तो हम लोग उस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा बिलोंग करते हैं और मेरा किसी राजघराना से सरोकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम इस नाम को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं। ओके, है ना, तो इसीलिए उसके पीछे
कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी हम राजघराना किसी डायनेस्टी को हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उससे हम बिलोंग करते हैं। बनारस बनारस वगैरह राज मतलब जयपुर राजस्थान से राज परिवार से मेरा कोई वो चीज़ नहीं है, बस नाम है। तो इस नाम को हम चाहते हैं कि उस किसी भी घराने से भी बहुत आगे लेके जाएं और अच्छा काम करें, जितना भी काम करें वो अच्छा काम करें। ओके है ना, ये नहीं कि कुछ भी कर लिए कुछ भी मतलब वो नहीं है, कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विज़न है और कोशिश भी है। और इतने अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस काम पर ज़रूर पहुँचेंगे। ओके मैडम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस गाने में, क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्टली जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा गया तो आई सो एक्साइटेड, बट देन मुझे पता चला कि मास्टर जी है मेरे साथ, तो आई वाज बिट नर्वस, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ये बहुत सपोर्टिव है, समझाया कि ऐसा करना है वैसा करना है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है द होल टीम। आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शूट हुआ हमारा और शूट इतना ईजीली इतने अच्छे से, पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया, कैसा दिन निकल गया। मास्टर जी, आप कोई स्टार के बारे में बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो डर डर के कर रही थी या कॉन्फिडेंटली कर रही थी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी 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 जी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने? डांसर हो ना? डांसर था क्या पहले? हाँ हाँ था ना, था ना, मास्टर जी के साथ ही था, मास्टर जी के साथ। देखे मीडिया में से एक लड़का है डांसर था ग्रुप में मेरे पास। जी जी, कितने साल पहले था बता? 10-12 साल पहले। जी मुन्ना है। जी जी, अखिलेश क्या? अखिलेश 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 अभी मुझे याद। अपर्णा के बारे में क्या बताऊँ, अपर्णा बहुत ही टैलेंटेड है और दिखने में बहुत खूबसूरत है और अच्छा फ्यूचर है उसका आगे, गुड डांसर, गुड एक्सप्रेशन, और मुझे लगता है बहुत आगे जाओगे जो कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। एक तो पहले बात मेरे सामने करना थोड़ा सा आता है, क्योंकि जब मैं गाना करता तो मैं दिखता हूँ तो और आप दिख रहे हैं, मतलब आपने अच्छा किया है, बस यही कहूँगा। बहुत सारे हैं, अभी तो कंटिन्यू हो ही रहा है, अभी लास्ट मेरा गोविंदा मेरा नाम गई, उसके पहले भेड़िया गई, फिर उसके बाद सर्कस गई, शहजादे, बहुत सारे फिल्म नाइन पे है, ओ माई गॉड टू है, बिजली बिजली कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, गाड़ी में अभी जा रहा हूँ शंकर का गाना करने, जो रामचरण की फिल्म कंटिन्यू आता ही रहेगा, अच्छे अच्छे गाने कोशिश यही कर रहा हूँ, अभी पुष्पा 2 के लिए भी जा रहा हूँ मैं, पुष्पा 1 की फिल्म उसके भी गाने करने जा रहा हूँ। देखिये सागर के बारे में क्या बताऊँ, वो मेरे से ज्यादा स्टाइलिश डांसर है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो क्या इंडियन फोक सीख सीख के आया, इन लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे और मुझे खुशी होती है इनके अंदर में काम करने को सीखने मिलता है। तो सागर बहुत ही वर्सटाइज कोरियोग्राफर है, हर टाइप का डांस जानता है, हर चीज़ का, अब कुछ मेरे साथ तरीके रहे कि मेरे स्टाइल का भी कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। सागर जी, आपको आपको जब कोरियोग्राफ करना था सर को, तो आपके अंदर ऐसा कुछ फियर था या मतलब कि कुछ गस देना है, खतरनाक देना है? कांप रहा था वो। हाँ पर से लेके 80 साल की उम्र के लोग तक करते हैं, तो हम जब कोरियोग्राफी करने में और मेरी टीम में, तो आप मानते नहीं है, बैक में भी होंगे तो राधिका को भी बोल सकते हैं, हम लोग 1 घंटा हम लोग हॉल में एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को क्या हुक स्टेप दोगे जो हुक स्टेप का किंग है। तो हम
परेशान हो गए कि क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसके बाद तो वो एक नर्वसनेस तो मेरे में थी ही कि मैं बोलूँ कि मैंने मेरे गाने पे मैंने कम जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उस पर हम लोगों ने मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि हमने अपना पूरा एफर्ट इसमें डाला हुआ था कि माश्री को परफॉर्म करना है। और जब माश्री परफॉर्म करेंगे और माश्री खुद भी ऐसे माश्री का एक मैं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे जब मेरा शूट चल रहा था उस दौरान और माश्री रिहर्सल कर रहे थे तो माश्री मुझे फ़ोन करके पूछ रहे सागर ये मैं ऐसा कर दूँ क्या। अरे मैं बोला माश्री आप मेरे को क्या पूछ रहे हो, आप जो करोगे वो बेटर ही होगा। और मेरे गाने में भी बहुत सारा मतलब बहुत इनपुट है मास्टर जी का, वो यहाँ से वहाँ अगर वो लग रहा है तो वो पूरा मेरा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मास्टर जी के इनपुट से जिसके वजह से गाने का ये लेवल आया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो उन्होंने मेरा हाथ ये गाने में ऐसा छोड़ा नहीं है, उन्होंने पकड़ के ही रखा है, जहाँ भी मैं ढीला पड़ रहा था वहाँ मास्टर जी ने आके मुझे बचा ही लिया। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। रणवीर जी आपसे एक सवाल है कि आपको कैसा लगा ये गाना करके और ये अप्रोच आपके पास कहाँ से आई थी गाने की? चलो माइक की बात आगे आ जाइए। बहुत कम लोग जानते होंगे बल्कि आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, यहाँ देखिए गणेश सर का इनपुट म्यूजिक में भी रहता है। मैं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सर के साथ किया क्योंकि यही मुझे काम आराम से मिल जाता है, मैं भी आलसी की तरह था, सर ही धक्के मारते हैं बाहर जा काम देख काम कर। इनफैक्ट हमारी जो लास्ट फिल्म थी देहाती डिस्को उसका भी जो एक गाना सबसे बड़ा हिट हुआ है इंग्लिश वाले सब किसको देहाती डिस्को, उसमें गणेश सर का म्यूजिक है। म्यूजिक में भी इज अ किंग, तो पहले ही दिन से वहाँ से भी मुझे क्लास मिल रहा है, यानी कि सामने है पीठ पीछे भी मैं यही बात हूँ। ये इंडस्ट्री ये म्यूजिक ये दुनिया ये अल्फाज बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। तो मसालेदार तेरा प्यार उसी कड़ी में एक और गाना है। सर मेरा सवाल आपसे है, म्यूजिक के अंदर बहुत सी कंपटीशन चल रही है, आपका पहला गाना बहुत खूबसूरत है तड़कता भड़कता है, जो दूसरा देखना टीजर है सर, टीजर भी वैसे उसी तरह से है, कुछ वैरायटी और भी आएगी कि ये इस तरह की ही रहेंगे सर? सर जी सर आपसे आपसे ही ये सवाल आपसे पूछिए ना। माइक बात और भी बहुत कुछ है, बहुत वेरिएशन है, ये नहीं है कि हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग राजस्थान गाने जाने के लिए, हाँ। दो तीन गाने हैं प्रोडक्शन राजघराने के पास बहुत माल है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट सॉन्ग हम लोग भी जा रहे हैं वो बाबी ठाकुर मुझे उनका सॉन्ग है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आदित्य झा इनकी जो म्यूज़िक कंपनी है इन्होंने पहले गाने में दिल खोल के काम किया है, नीरज जी और रणधीर ने बहुत कमाल उनको सपोर्ट किया है, सागर ने कमाल डायरेक्ट किया है, अपर्णा ने कमाल एक्ट किया है, अपर्णा ने बहुत अच्छा गाना किया है, सबसे अच्छा तो बहुत अच्छा। आज ही सुबह मैंने देखा कमाल ट्रेलर है, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उनके साथ कर रहा हूँ टंकी राजकुमार ईरानी, तो बस कमाल अच्छा काम है, अच्छा हॉलीवुड की फिल्म लग रही है, अच्छा हॉलीवुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।